हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको कोल्ड स्लिप्स बनाना बताएंगे, जिसके लिए हमने स्लिप्स की कटिंग कर ली है। और इसके लिए हमने ये बुकरम की पट्टी ली है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जिसकी लंबाई है 6 इंच और चौड़ाई है 4.5 इंच। यहाँ से इस तरीके से थोड़ी सी बुकरम छोड़नी है हमें। यहाँ से हम 4.25 इंच पर निशान लगा रहे हैं और चौड़ाई इसकी हम 1.5 इंच लेंगे। आप अपने अनुसार ले सकती हैं कम या ज़्यादा। इस तरीके से यहाँ से बराबर कर देंगे और यहाँ से भी हम 1.5 इंच पर ही निशान लगा रहे हैं ऐसे। और इसको भी हम इस तरीके से ही बराबर कर देंगे। ऐसे हमने इसको बिल्कुल बराबर कर लिया है। और जो यहाँ से हम शेप दे रहे हैं आप इसमें कोई भी शेप दे सकती हैं, देखिए। और यहाँ से हम 1/2 इंच का मार्जिन देंगे। देखिए, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। आप अपने अनुसार किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए, हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब देखिए, हमने सेम कलर का कपड़ा लिया है इसके लिए, क्योंकि ये अंदर ही जाएगा, ये दिखेगा नहीं। आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। अब इस पर स्टिच करेंगे। देखिए, अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा उसको हम बाद में निकाल देंगे। देखिए, सिलाई लगा ली है और जो आपको एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसको हम यहाँ से अलग कर देते हैं। हमने एक्स्ट्रा कपड़े को इसमें से कट कर लिया है। अब हमें स्लिप्स को ऐसे रखना है और ऊपर से हमें यहाँ से हम 4.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर हम 4.25 इंच पर निशान लगा रहे हैं इस तरीके से। इसको हम इस तरीके से यहाँ पर लाइन खींच देंगे और स्लिप्स को इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर बी सेंटर में। आप चाहें तो इसमें पहले यहाँ पर सेंटर कर लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हमारा सेंटर पॉइंट कहाँ पर है। देखिए, हमने अपनी जो स्लिप थी उसमें भी हमने बी सेंटर में कट कर लिया है और इसमें भी यहाँ पर निशान लगा लिया है बी सेंटर में। और इसको हम इस तरीके से इस निशान पर रखेंगे, इस वाली चोंच को,
और यहाँ पर ताकि ये इधर उधर खिसके नहीं, इस तरीके से रख के हम इसके देखिए। और जैसे हमने ये बाजू की कटिंग करी है उसी शेप में हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। देखिए अब इसके ऊपर हम जैसे हमने चौक से निशान लगाए इसी तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमने सिलाई लगा ली, जैसे हमने चौक से निशान लगाए थे एक एक पैर के मार्जिन से ऐसे हमने सिलाई लगा ली है। और यहाँ से हम इस तरीके से कट कर देते, यहाँ पर एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगाई थी उसी तरीके से हमें एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेते। हमने इसकी कटिंग कर ली है और यहाँ पर इस तरीके से कट लगा देते। और इसको हम इस तरीके से उल्टा करते कि हमने इसको सीधी साइड को पलट लिया और हम इस तरीके से इसको ऐसे खींच के जब सिलाई लगाएंगे और सिलाई करने के मतलब तुरपन करने के बाद उस सिलाई को हम निकाल देंगे। देखिए और सिलाई लगा लेते हैं। देखिए जो हमने यहाँ पर सिलाई लगाई थी उसको निकाल के हमने तुरपन कर दी है और आप पीछे से भी देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनी है हमारी ये बाजू और हमने आगे इस तरीके से लेस भी लगा लिया है। देखिए उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके बताना ज़रूर। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।